बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं इंटरव्यूज़ में कामयाबी के लिए आपको चंद अहम औसाफ बताना चाहता हूँ। अगर आप में ये तमाम औसाफ पाए जाते हैं तो इंशाअल्लाह ताला आप हर किस्म की इंटरव्यूज़ को आसानी से अवेल और पास कर सकते हैं। तो चलते हैं, वो औसाफ क्या हैं। नंबर वन, बातचीत। एक कामयाब अफसर बनने के लिए उम्मीदवार को अपनी गुफ्तगू में सफाई, दुरुस्तगी और तेज़ रवि पैदा करने की कोशिश करनी चाहिए। आपको सवालात करने की अहलियत पैदा करनी चाहिए। जवाबात नहायत साफ सुथरी और आसान ज़ुबान में देने चाहिए। अक्सर अवकात BBC या कोई भी रेडियोज़ वग़ैरह सुनना चाहिए और अगर मुमकिन हो तो अंग्रेज़ दोस्तों या अंग्रेज़ी ज़्यादा बोलने से मेल जोल रखना चाहिए। नंबर दो, आम सूझ बूझ और मालूमात। इंटरव्यूज़ में कामयाबी के लिए सूझ बूझ और मालूमात का होना नहायत ज़रूरी है। इन औसाफ के हुसूल के लिए आपको काफ़ी वक्त निकालना चाहिए। आपको हर मज़मून की कुछ न कुछ मालूमात ज़रूर होनी चाहिए। मसलन फिज़िक्स, साइंस, जुग्राफिया, सियासियात, हालिया वाक़ियात, करंट अफेयर, फ़लसफ़ा, नफ्सियात, तारीख, इक्तिसादियात, शहरियत, अंग्रेज़ी तकारीर और केल वग़ैरह। नंबर तीन, अजीब गरीब सवालात। बाज़ औक़ात उम्मीदवारों से अजीब गरीब सवालात किए जाते हैं। ऐसे सवालात सुनकर अपनी हाजिर दिमागी नहीं छोड़नी चाहिए, बल्कि इसी जज्बे से जवाब देना चाहिए जिस जज्बा से सवाल दरियाफ्त किया गया है। अगर आप साहिब ज़राए और होशियार इंसान हैं तो आप मुनासिब और बाइज़्ज़त जवाब दे सकते हैं और इस तरह हालात का रुख अपने हक़ में मोड़ सकते हैं। नंबर चार, लोगों और अपने मुल्क से वाकिफियत हासिल करना। जितना मुमकिन हो सके आपको सफ़र करना चाहिए। अपने वतन के बड़े बड़े शहरों की सैर ज़रूर कीजिए और अगर मुमकिन हो तो बैरूनी मुल्क का सफ़र भी कीजिए। सफ़र करने से इंसान की नज़रियात में वसअत पैदा होती है। मुख्तलिफ़ मकामात और मुख्तलिफ ममालिक के साथ राबता करने से आप उनके तर्ज़ ज़िंदगी से वाकिफ होते हैं जो कि दूसरे तरीक़ों से हासिल नहीं हो सकती। बाज़ औक़ात उम्मीदवारों से ऐसे सवालात किए जाते हैं जिनके जवाबात वो इसी सूरत में दे सकते हैं जबकि उन्होंने काफ़ी सफ़र किया हो। नंबर पाँच, माशरती शख्सियत। पब्लिक सर्विस कमीशन में कामयाबी के लिए आपका माशरती शख्सियत होना नहायत ज़रूरी है। हर किस्म के लोगों से मिलना जुलना, ऐवान इंसाफ में वकला की तकारीर सुनना, असम्बली के मनाजरे सुनना और उलमा के मसाइल वग़ैरह वो भी सुनना, बड़ी बड़ी माशरती तकरीबात में शिरकत करने से माशरती ज़िंदगी के हालात से बखूबी वाकिफियत हासिल हो सकती है। और जो छठी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ वो जनाब इमरान ख़ान साहब का एक अच्छा उसूल है कि आपको घबराना नहीं। लेकिन आखिरी लेकिन अहम बात यह है कि आपको घबराना नहीं चाहिए। इंटरव्यूज़ का खौफ दिल से निकाल दीजिए। याद रखिए कि आप ये सब औसाफ अपने अंदर पैदा कर लें
خاص طور پر خود اعتمادی، تب کوئی بھی چیز آپ کا راستہ نہیں روک سکتی اور کامیابی آپ کے قدم چومے گی انشاءاللہ۔ جی دوستو، میں ہوں آپ کا دوست ضیاء الرحمان۔ آپ کو ہماری یہ چھوٹی سی کاوش کیسی لگی؟ مجھے امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ تو پلیز ہماری ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور بتائیں کہ آئندہ ہم آپ کے لیے کون سی ویڈیو اپلوڈ کریں۔ تو ہمارے چینل ایکسپلور دی بیوٹی آف پاکستان کو ضرور سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔